हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अफशान फूड ब्लॉग। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि पीता ब्रेड को घर पे आसानी से आप कैसे बना सकते हैं। ये एक मिडिल ईस्टर्न या अरेबिक रोटी है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसको बनाते वक्त मैंने काफ़ी सारी टिप्स शेयर की हैं और एंड में भी मैंने बहुत सारी टिप्स ऐड की हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही सॉफ्ट रोटी है ये। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें और नई आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप गुनगुना पानी। पानी इतना गर्म हो कि आप इसमें आसानी से अपनी उंगली डुबो सकें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून शुगर और 2 टीस्पून यीस्ट। इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल किया है मैंने। इसे आप अच्छे से मिक्स करें और 10 मिनट के लिए साइड में रख दें ताकि हमारी यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो, वरना यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। अब हम आटा गूंदना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप्स मैदा यानी ऑल पर्पज फ्लावर और 1/2 कप आटा यानी होल व्हीट फ्लावर। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक और इसी के साथ डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप कौन सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमने जो यीस्ट एक्टिवेट करने के लिए रखी थी वो देखिए बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम यही पानी को यूज़ करते हुए सारा आटा गूंदेंगे। इसके अलावा हम और कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। आप सारा पानी इसमें डाल दें और अच्छे से इसे मिक्स करना शुरू कर दें। अब मैं इसे हाथों से ही गूंथूंगी। सारा आटा हमारा एक जगह आ गया है। अभी शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही स्टिकी है, हाथों को बहुत ही चिपकेगा, लेकिन हमें इसी तरह का आटा तैयार करना है। आपको इसे अच्छे से 8 से 10 मिनट तक गूंदना है। आप ये स्टेप्स स्किप मत करिएगा। हम इसे गूंदने के लिए और सूखा आटे का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 कप आटा लिया है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीबी यूज़ करूँगी। हमें इसे अच्छे से मलना है ताकि हमारा डो एक स्मूथ सा डो तैयार हो। देखिए अभी इस स्टेज पर ये बहुत ही स्टिकी है, आप देख सकते हैं इस तरह से हाथों को चिपकेगा। लेकिन हम धीरे धीरे थोड़ा और 1 टेबलस्पून आटा इसमें ऐड करेंगे और एक स्मूथ सा डो तैयार करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हमारा आटा तैयार हो जाएगा तो उसे हम चेक कैसे करेंगे। डो हमारा लगभग रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। इसे चेक करने के लिए आप अपनी फिंगर को आटे पर रखें इस तरह से और देखिए किस तरह से ये स्ट्रेच होकर वापस आ रहा है। इस तरह से आपको चेक करना है। अब हम इसे गूंदना बंद कर देंगे और वापस उसी बोल में रख देंगे जिसमें हमने आटा गूंदना शुरू किया था। बोल में आप अच्छे से 1 टेबलस्पून ऑयल स्प्रेड कर लें हर तरफ और आटे को भी हम इसमें रख देंगे। अब रख के हर तरफ ऑयल लगा लेंगे, इससे हमारा आटा ड्राई नहीं होगा। इसके बाद हम इसे ढककर 1.5 से 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। मैं आपको दिखा दूं कि मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून आटे का ही इस्तेमाल किया है गूंदने के लिए। चलिए 2 घंटे हो चुके हैं, हम अपने डो को चेक करते हैं। देखिए ये किस तरह अच्छे से राइज हो चुका है। ये तकरीबन डबल हो चुका है वॉल्यूम में। आप इसे 1 मिनट के लिए और गूंधें ताकि इसमें जो हवा है वो बाहर निकल जाए। इसे अब हम रोल करेंगे और पेड़े कट कर लेंगे हम इसके। इस स्टेज पर अगर आप चाहो तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख दें और 1 वीक तक आटा फ्रिज में फ्रेश रहेगा। आप जितना चाहो निकाल के अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। इसे अब हम कट कर लेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा आटा और डस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इक्वल पोर्शंस में कट कर लें।
नहीं तो आप किचन स्केल की मदद से भी वेट करके कट कर सकते हैं। आप इसे ढककर रखिएगा पूरे टाइम, वरना आटा ड्राई हो जाएगा। आप इन पेड़ों को इस तरह से बॉल की शेप में बना लें ताकि जब हम इसे रोल करेंगे और रोटी का शेप देंगे तो अच्छी सी गोल सी रोटी तैयार होगी। हमने सारे पेड़ों को गोल सी शेप दे दी है, अब हम इसे रोल करेंगे। थोड़ा सा आटा और डस्ट कर लें आप। अब हम इसकी एक गोल सी रोटी तैयार करेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि रोटी किनारों से और बीच में सब तरह से अच्छे से फ्लैट हो, वरना ये अगर कहीं से मोटी और कहीं से पतली होगी तो फिर वे फूलेगी नहीं अच्छे से। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कोई होल्स ना हो और ये कहीं से क्रैक ना हो। मैंने 6 इंच की रोटी बेलकर तैयार की है। अब हम इसे एक ट्रे पर रख देंगे। ट्रे पर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया है। हम अपनी सारी रोटियों को उस पर रखते जाएंगे और इसे एक टॉवल से कवर कर लेंगे। इसी तरह से मैंने सारी रोटियों को बेल लिया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। जब हमारी सारी रोटियां तैयार हो जाएंगी, हम इन्हें ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। इस तरह से आधे घंटे के बाद ही हमें इसे सेकना है। तवा गर्म होने के बाद हम इसमें अपनी पीता ब्रेड को रख देंगे और उसे सेक लेंगे। एक तरफ से ये अच्छे से सिक जाने के बाद, और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल रही है। अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लेंगे इस तरह से। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपकी रोटी कहीं से क्रैक हो जाए और वो सही से नहीं फूल रही हो तो हम उसे कैसे सेकेंगे ताकि वो अच्छे से ज़्यादा फूलें। जहाँ भी आपको लगे कि क्रैक आई है, वहाँ पर आप अपना स्पून इस तरह से दबा दें ताकि एयर अंदर ट्रैप हो जाए और रोटी वापस से फूल जाए। कभी कभार रोटी पूरी तरह से फूलती भी नहीं है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, फिर भी हमारी रोटी सॉफ्ट ही बनेगी क्योंकि हमने इससे डबल प्रूफिंग की है और इसमें यीस्ट का इस्तेमाल किया है। आप इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप इसके साथ शावरमा भी बना सकते हैं या कोई ग्रिल चिकन या डिप के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप मुझे फीडबैक देना ना भूलें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।